सलाम जी सर, खैरियत सर? जी फरमाइए। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। आपने बोले तो बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पे ऑफिस कौसरबाग में ओपन किया, और हमारी खुशनसीबी कि हमको इनवाइट भी किया आपने ओपनिंग के लिए, बहुत अच्छा लगा इसके लिए। और बस उसके साथ में बोले तो हमको थोड़ी इंक्वायरी भी करनी थी वैसे, और मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने गर्दी में इतने लोगों के बीच में भी आपने हम लोग का ख्याल रखा हर चीज़ का। और इंशाल्लाह हमारे कुछ घर वाले जाने वाले उम्रा के लिए, तो हम बोले चलो फिर उस बहाने हम लोग वो भी इंक्वायरी कर लेते हैं यूट्यूब चैनल को, भी बता देते हैं कि नया ऑफिस ओपन हुआ। तो कुछ हमारे रिश्तेदार थे जो आपके जो भवानीपेट में जो आपका ऑफिस है वहाँ से गए थे, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिए। वो लोग बोले कि इस बार आप इनके थ्रू ट्राई करना, क्योंकि हम लोग आग बंद करके किसको भी ये रेकमेंड करते हैं कि इनकी सर्विस बोले तो घर से निकलने से लेके वापस घर आने तक के वो हर चीज़ का एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से सब कुछ बताएंगे और आपका ख्याल भी रखेंगे। ऐसे नहीं कि आपको वहाँ पे लेके आके छोड़ दिया आपको, लेकिन हर पल हर वक्त का आपको ख्याल रखा जाएगा उनकी तरफ से, और कोई चीज़ की कुछ तकलीफ नहीं होगी। बस आप इबादत में ध्यान रखना, बाकी सब चीज़ें इनके ऊपर छोड़ दो कि इन लोग इतने अच्छे से सर्विस देते। तो हम आए उसी सिलसिले में, तो आप कुछ बता सकते हैं कैसे है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एवरी मंथ ग्रुप जाते हैं सर। अभी नेक्स्ट मंथ में हमारे अगस्त में 200+ हाजी है, और इस तरह से एवरी मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह हाजी हमारे डिपार्चर्स करते हैं। तमाम पूना शहर के काफ़ी लोग हमारे साथ में उमरा पे जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी जाते रहेंगे। तो हमारा जो पैकेज स्टार्ट होता है वो 75,000 to 85,000 का हमारा पैकेज है। एक इकोनॉमिक पैकेज है और एक सेमी डिलक्स पैकेज है। इकोनॉमिक पैकेज में जो होता है वो होटल का डिस्टेंस का फर्क होता है, और सेमी डिलक्स पैकेज जो होता है उसमें होटल थोड़ा और करीब होता है। तो हम जो है जाने से पहले यहाँ पे लोगों को पहले बता देते हैं कि वॉक इन डिस्टेंस कितना है करके। तो हमारा 15 डेज का पैकेज है, उसमें डायरेक्ट फ्लाइट है बॉम्बे जद्दा, जद्दा बॉम्बे, उसमें जो 9 दिन मक्का और 6 दिन मदीना शरीफ में रखा जाता है। उसमें 3 टाइम का खाना होता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, लॉन्ड्री, ज़ियारत, ट्रांसपोर्टेशन और सब चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग रहती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ से। हम पूरी तरह से गाइड करते हैं कि हाजी वहाँ पे जिस मकसद से जाए उसका वो मकसद पूरा हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हमारा जो है ग्रुप एवरी मंथ जा रहा है, और हमारी बहुत पब्लिसिटी है। हमारे हाजी जो जाते हैं उमरा जाकर आने के बाद जो करते हैं उसी से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से जो है हमारा हमारा कारवा आगे बढ़ा है। तो आप जैसे बोले कि दो टाइप के पैकेज बताया जी जी, तो वॉकिंग डिस्टेंस ऐसे कितना जी? 75,000 का जो पैकेज होता है उसमें 1,000 to 1,200 meters पे जो है हमारा मक्के का होटल होता है, मदीना शरीफ में 500 meters पे होटल होता है, और सेमी डिलक्स जो पैकेज है वो 500 to 700 meters के करीब होता है, और मदीना शरीफ में जो होटल होता है वो 200 to 300 meters के करीब होता है। इस तरह से डिफरेंट खाली वॉकिंग डिस्टेंस का फर्क होता है खाली।
बाकी सब फ्लाइट डायरेक्ट ही होती है, ज्यादातर वैसे ही होती है, लॉन्ड्री वैसा ही होता है, खाना पीना वैसा होता है, सब कुछ वैसा ही होता है। हमारे पास जो ज्यादातर लोग आते हैं वो मिडिल क्लास के लोग ही आते हैं, उस हिसाब से हमने ये पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे टूर से जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1000 हाजी जो है उमरा को जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सिर्फ होटल का डिस्टेंस का फर्क है, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं होता है। जो है फूड आइटम्स, लॉन्ड्री सर्विस, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा भी हम लोग वहां जाने के बाद जो है हम सोचते हैं कि हाजी इतना दूर आया है तो उसको सारी ज्यारतें भी हो जाए, तो हम अपनी तरफ से जो है खाना खाने के बाद हरम शरीफ की जो ज्यारतें होती है आसपास की हम वो भी कराते, जहाँ पे सैयद अबू बकर सिद्दीक का घर था, जहाँ पे हजरत उमर फारूक का घर था, जहाँ पे बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के टुकड़े कहाँ से किए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान कहाँ से किया था, अबू जहल का मकान कहाँ था, बाबू सलाम किसे कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज किस जगह से हुई थी, और खाने काबा की भी मालूमात हम लोग देते हैं, जैसे कि हजरत असवद कितनी बार चुराया गया, कितनी बार रखा गया, हातिम किसे कहते हैं, रुकने यमनी, रुकने इराकी, रुकने शामी किसे कहते हैं, इस तरह की और भी मालूमात हम लोग वहां पे देते हैं, जिससे हाजी सुनने के बाद वो भी सोचता कि काश मैं भी उस दौर में होता। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि इतनी सब डिटेल्स और इतनी सब जगह की ज्यारत कराएंगे आप। जी ज्यारत कर रहे हैं तो वो किस चीज की ज्यारत हो रही है, क्या है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी हिस्ट्री मालूम पड़ी तो इंसान का दिल और दीन की तरफ जज्बा उतना और बढ़ता रहता है। राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर ग्रुप के अंदर एक ग्रुप लीडर होता है, और वहां जाने के बाद हमारे स्पेशल जो है जुबैर अख्तारी जो है वहां के फेमस है यूट्यूबर है माशाल्लाह वहां के सऊदी के, और उनको बड़ी अच्छी ज्यारतों की मालूमात भी है और हिस्ट्री भी पता है, हम उनको अपने साथ में भी रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ज्यादातर मालूमात को अपनी तरफ से बताते हैं। और भी बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह मक्का के अंदर देखा है तो 30-40 हिस्ट्री बाकी है, ज्यादातर ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती है, जो जाने के बाद वहां पे नहीं पता होती है, लेकिन हम वो ज्यारतें भी कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मदीना शरीफ में तो 43 ज्यारत है जो नॉर्मल ज्यारतों से हटकी होती है, तो हम लोग वहां पर भी लेके जाते हैं, जैसे कि हजरत उस्मान गनी ने किस कुवे को वक्फ किया था इस्लाम के लिए, सहाबा इकराम के मकानात कहां पे थे, हजरत अली मौला अली मुशकुशा रदिया तला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पानी से गुसल दिया गया था, और बहुत सारी ज्यारतें वहां पे है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कराते हैं। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों का बोले तो मालूम भी नहीं है, लेकिन अच्छा है बोले तो जो लोग बोले तो फर्स्ट टाइम जा रहे या काफी बार जा चुके हैं इतनी सब चीजें मालूमात होती नहीं है लोगों को, लेकिन आपका बोले तो बहुत अच्छा है कि आप लोग इतनी सब इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अभी नेक्स्ट पैकेज जो आपका नेक्स्ट ट्रिप जाने वाला है वो कौन सी तारीख को है? अभी नेक्स्ट बैग जो हमारा जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में 5 अगस्त को है, सेकंड जो है 13 अगस्त को है, थर्ड जो है 14 अगस्त को है, और फोर्थ जो है 26 अगस्त को है, और फिफ्थ जो है 27 अगस्त को है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे बैजेस अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है कैसा रहता है, 1 मिनट तक बुकिंग आती रहती है, तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक लेते रहते हैं और हाजियों को भेजते हैं। और हम कस्टमाइज पैकेज नहीं बनाते, हम सिर्फ ग्रुप वाइज पैकेज ही बनाते, क्योंकि ग्रुप में जाने से फायदा ये होता है कि उनको ज्यादा मालूमात होती है, और ग्रुप में रहने से एक दूसरे को हौसला होता है, और एक दूसरे को जो कुछ समझ में नहीं आता है जो गलतियों का पता चल जाता है। कस्टमाइज पैकेज में हमारे को अब तक हमने किए भी नहीं और करते भी नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि अलग से उसके लिए गाड़ी करो, कोई गाइड नहीं रहता है, फिर वहां जाने के बाद उसको खाने का प्रॉब्लम होता है, उसके रूम का कोई प्रॉब्लम होता है, तो सॉल्व करेगा कौन? इसलिए हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप वाइज ही पैकेज बनाते हैं, कस्टमाइज हम लोग करते ही नहीं और इंडिविजुअल भी छोड़ते ही नहीं, ग्रुप में ही रखते हैं, और ग्रुप लीडर हमेशा साथ में होता है जो इस तरह की पूरी मालूमत देता है, और अगर कोई नई भी मालूमत हासिल करना चाहे तो भी हम उसको बता दें कि हम तुझे यहाँ पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा मेरे को ये पूछना था कि जैसे बताए कि ग्रुप में ही सब कुछ होगा करके, जी तो अभी सपोज एक ग्रुप में होते फैमिली मेंबर, सपोज हस्बैंड वाइफ ही है, ठीक है, कई ग्रुप में हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, तो उनका रूम का कैसा इंतजाम होता है? जी हम लोग रूम जो देते हैं वो फैमिली वाइज ही रूम देते हैं, 4 बेड 5 बेड शेयरिंग रहता है, अगर कोई दो है तो उन सब में दो की जोड़ी आ जाती है, अगर कोई दो मियां भी यंग है तो उनके साथ में सीनियर डालते हैं, दो सीनियर डालते हैं और दो यंग डालते हैं, ताकि आगे ना इत्तेफाकी ना हो, और महरम का भी मसला होता है तो हम तो अनाउंसमेंट करते हैं कि महरम अलग हो जाए, गैर महरम अलग हो जाए, यानी कि लेडीज अलग जेंट्स अलग हो जाए, हम लोग वो भी रूम वैसा भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक रूम में 4 के बेड में लेडीज हो जाए, 4 के बेड में जो जेंट्स हो जाए, फिर उसके बाद आपकी मर्जी होती है, अब वहां जाने के बाद आप बोलेंगे नहीं हमको नहीं अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, हम साथ में रहना पसंद करेंगे, तो हम साथ में उनको रूम एडजस्ट करके दे देते हैं। और कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई कपल है वो बोलेगे नहीं हमको दोनों को ही रूम चाहिए, तो आप वो भी फैसिलिटी? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्राइवेट रूम भी देते हैं, मियां व्यूअर कोई चाहता है कि हमें प्राइवेसी मिले, सेपरेट रूम चाहिए, तो हम उसका एक्स्ट्रा चार्ज उनसे लेते हैं और उनको प्राइवेट रूम भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का और मदीना में दोनों तरफ 15 दिन के लिए उनका सेपरेट रूम रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हम लोग देते हैं। वही होता है क्योंकि वही काफी लोगों का ऐसा होता है ना कि मेरी फैमिली है तो मैं फैमिली के साथ प्राइवेसी है करूं, तो वो ऑप्शन अवेलेबल है तो लोगों को कितना उतनी आसानी हो जाता है। राइट अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑप्शन सारे हमारे पास अवेलेबल रहते हैं एज पर रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट होता है
वो जिस तरह से हमको बात करता है, जिस तरह से हमको मांगता है 4 बेड दीजिए, 5 बेड दीजिए, 2 बेड दीजिए, हम उस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। फ्लाइट जो रहता है वो डायरेक्ट फ्लाइट होता है, उसमें इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, सऊदी एयरलाइंस और फ्लाइनास, इस तरह ये 5 फ्लाइट होती है जो डायरेक्ट में जाने की होती है, जो यही फ्लाइट है जो डायरेक्ट जाती है, बाकी जो फ्लाइट होती है वाया फ्लाइट होती है। अब ये फ्लाइटों में जो है ना 37 kg अलाउड रहता है, तो 30 kg जो है लगेज और 7 kg हैंड कैरी रहता है। इसमें जो है हम आपको जाने से पहले 2 बैग हमारी तरफ से देते हैं, जो जाने से पहले ट्रेनिंग कैंप भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, जो जिसमें हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको वहां जाके करना क्या है, वहां जाके सीखना नहीं होता है, यहाँ से सीख के वहां जाना होता है। जब यहाँ जाने से पहले आपको अगर पता चल जाए कि हमें वहां जाके करना क्या है, तो वहां जाने के बाद हमें आसानियां पैदा होती है। तो हम लोग ट्रेनिंग कैंप में इसे बता देते हैं कि आपको लगेज कितना लेना है, कौन सी दवाई आपको साथ में रखना है, कौन सी चप्पलें आपको लेना है, कि चप्पल का ही बड़ा मसला होता है कि आपको स्लीपर 100 वाली 50 वाली नहीं लेना है, आप लाखों रुपए खर्चा करके जा रहे हैं तो आप इतनी अच्छी स्ट्रांगली चप्पल लीजिए कि आपको पैर को ना काटे, अगर आपके पैर को जख्म हो जाए तो वो चप्पल काटने की वजह से आपकी तवाफ रह जाएंगे, फिर आपको वहां जाने के बाद महसूस होगा कि काश हम थोड़े पैसे डाल के अच्छी चप्पल लिए होते, तो चप्पल का बड़ा रोल है इसके अंदर भी कि अपने पैरों को बचाइए और अच्छी चप्पल लीजिए। हम भी पिछली बार कहते तो चप्पल अच्छी लेकर लेते हैं। हाँ, तो ये होता ही है कि लोगों को मालूमत नहीं होती तो वो क्या करते हैं, सस्ते में चप्पल लेते हैं, वो पैर को काट देते हैं। अब पैर को काटने से क्या होता है, वजू नहीं कर पाता है, अब पैर पे पानी गिरा तो तकलीफ देता है, तकलीफ देने की वजह से इंसान वजू नहीं करता, वजू नहीं करता इसलिए नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, तवाफ नहीं करता। इसलिए हम पहले ही बोलते हैं आप 200 वाली 300 वाली अच्छी चप्पल लीजिए, ये चप्पल का बड़ा रोल है, ये हमने देखा है। गुम जाती है वो, तो चलो गुमना है तो 4-5 जोड़ी साथ में भी रखे तो कोई बुरा नहीं है, 1000 रुपए में 6 जोड़ी 7 जोड़ी चप्पल आ जाएंगी तो आपका वो काम हो जाएगा, और गुमने की चीज है किसी और की उठा के मत लाइए, ये भी हम बोलते हैं। और दूसरा जो है आप चप्पलें जो है हमेशा छोड़ के ही जाइए, आप कंधे पे लेके तवाफ वगैरह मत कीजिए। हम लोगों को यही भी बताते कि देखिए हम खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं, वही चप्पलें आप वॉशरूम में लेके जा रहे हैं, वही चप्पल आप कंधे पे लेके तवाफ कर रहे हैं, चप्पलें आपको 1000 मिल जाएगी मगर तवाफ आपका बार बार नहीं होने वाला। तो अल्लाह जो आजीजी जितना इंतजारी दिखता है कि मेरा बंदा कितनी मुखलिसी के साथ में मेरे पास आया है और कितनी आजीजी से तवाफ कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में जब भी जाए तो एकदम एकदम ऐसा जाए कि बस अल्लाह की इबादत में हमारा ध्यान हो। चाहिए कि हम जब भी खाने काबा की तरफ पहुंचे तो सब चीज भूल जाए, दुनियादारी भूल जाए और जो है पूरा ध्यान अपना खाने काबा की तरफ रखे, अपनी लौ जो है अल्लाह से लगाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब वो सब चीजें होने से क्या होता है कि इंसान का ध्यान होता है, तो हमें चाहिए कि जब भी खाने काबा का तवाफ करे तो नजरें नीचे रखे और बात करने से परहेज करे। बहुत अच्छी बोलो तो बहुत अच्छी मालूम पता चली। कैसे डिटेल में आपने सिर्फ इंक्वायरी के लिए आए तो इतना सब बताए, तो हम वही सोच रहे कि वहाँ पे जाने के बाद में और कितनी गाइडेंस मिलेगी। और आप हमारे YouTube फैमिली को कुछ बताइए कि क्यों आना चाहिए आपके अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए काफी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर टूर्स एंड ट्रेवल्स मौजूद है और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकत दे, खूब बरकत अता फरमाए। पूरे 27-27 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, एक एजेंसी पूरे लोगों को कवर नहीं कर सकती, तो कुदरत का निजाम बना हुआ है कि किस तरह से कौन से हाजी कहाँ से जाएगा, ये अल्लाह ने एक कुदरत निजाम बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उस जिस तरह से लोग ज्यादा उस तरह से ब्रांच एजेंसी भी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा पूना के अंदर ये जो टूर खुला है अल्हम्दुलिल्लाह, आज 5 ईयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टूर को, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हाजी हमारे टूर से जा चुके हैं और हमारे पास जो लोग आते हैं वो हमारे जो हाजी उमरा करके आते हैं, हज को जाकर आते हैं, वही लोग हमारे पास हाजी भेजते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे आज अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे हर मंथ जो है 30-40 लोग जानेंगे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 100-100 हाजी जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और हम कोशिश करते हैं कि हाजी जो जिस मकसद से जा रहा है वो मकसद उसका पूरा हो जाए, उस मकसद से हम लोग वहां पे लेके जाते हैं, और जो आने वाला हाजी होता है वो भी खुद ये देखता है कि हमारा जो मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया, तो वो खुद ब खुद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टूर की जो है पब्लिसिटी करता है, मौत पब्लिसिटी करता है, उनके रिश्तेदारों में दोस्तों में कहता है कि आपको जाना है तो अल खलीफा टूर से जाइए अल्हम्दुलिल्लाह जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इनॉग्रेशन के मौके पे जो है हमने लक्की ड्रॉ भी रखा था अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट प्राइज उसमें उमरा था जिसमें 500 रुपीज जो है उसमें एंट्री फीस थी, कई लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हिस्सा लिया, जिसमें हमने इनॉग्रेशन के बाद रात में 10 बजे जो है हमारी बच्ची के हाथ से अल्हम्दुलिल्लाह वो चिट्ठी उठाए, जिसमें एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नन्ना मुन्ना प्यारा सा एक बच्चा जो है वो लक्की विनर बना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको भी हज उमरा करने की सादत नसीब अता फरमाए और आने वाले वक्त में अल्लाह हमें खूब तरक्की अता फरमाए। तो जो लोग भी उमरा और हज का प्लान कर रहे हैं तो जरूर विजिट कीजिए अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स कौसरबाग।